निशाना है? ये हम मधुमक्खियों के काम आएगा। राजू, तुम हम मधुमक्खियों के बहुत काम आओगे, तुम्हारा निशाना और हमारी डंक। मैं रानी मधुमक्खी तुम्हें हमारा सेनापति बनाती हूँ, तुम हमारे साथ रहोगे, मधुमक्खियों का सेनापति। नहीं रानी, मैं मधुमक्खियों का सेनापति नहीं बनूंगा। क्या, तुम मुझे मना नहीं कर सकते लड़के? किसी मधुमक्खी की इतनी हिम्मत नहीं। मैं कोई मधुमक्खी नहीं, ढोलकपुर का राजू हूँ और मैं ढोलकपुर में ही रहूँगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल, सेनापति और तू। कालिया राजू से जलता है। क्या कहा? जल कुकड़ा कालिया। कालिया, राजू। उस्ताद, ये क्या? मधुमक्खियाँ, महारानी बहुत गुस्सा है। राजू को सजा मिलेगी। राजू, हम ले आए इसे महारानी। राजू, हमारी बात मान लेते तो तुम आज मधुमक्खियों के सेनापति होते। कैदी, राजू हमारा दोस्त है, किसी मधुमक्खी रानी का सेनापति नहीं। देश विदेश, शहर गांव अपनी रानी ढूंढ रहे हैं, पर अब तक हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो जो क्या चिनमिंग? जो हमारे शाही किमोनो के लायक हो राजू। वाह! निंग, देखो। हाँ किंग, हमारी रानी। रानी टुनटुन। हाँ हाँ महारानी, पहन लीजिए किमोनो। ठीक है, पहन लेती हूँ एक बार। बॉल को आसमान में नहीं पहुंचाना था। कालिया,
तुम बॉल को इतनी दूर भेज तो देते हो पर भूल जाते हो कि तुम्हें उसे वापस भी लाना होता है। अब कहाँ गई ये बॉल और कितना दूर जाऊं? अरे मैं तो प्रोफेसर धूमकेतु के घर तक आ गया हूँ। प्रोफेसर की खिड़की तो टूटी पड़ी है, कहीं इस बॉल से तो नहीं टूटी? बॉल को लेता हूँ और भाग जाता हूँ, प्रोफेसर को पता नहीं चलेगा कि मैं आया था। बाप रे, ये क्या? भागो! मुझे लगता नहीं है कि कालिया को बॉल मिलने वाली है, ये बॉल भी खो गई दिखती है। सुनो, ये तो उस्ताद की आवाज है। हाँ? कालिया की? कहाँ? वहाँ एक राक्षस है राक्षस, मैं बॉल ले रहा था और वो सामने आ गया। राजकुमारी की मदद ले सकते हैं। हाँ चलो महल चलते हैं। बोलो महारानी टंटन की जय। महारानी टंटन की जय। जोर से बोले महारानी टंटन की जय। महारानी टंटन की जय। छी छी बंदर। महारानी टंटन के दरबार में जानवर मना है। भीम! जग्गू कोई बंदर नहीं, हमारा दोस्त है। हाँ मौसी, मैं जग्गू। टकन टकन, याद आया? मौसी नहीं, महारानी। हट जाओ बंदर। इतने मोटे लोग महारानी के सामने नहीं आ सकते और इतने छोटे लोग भी नहीं। सही कहा चिनमिंग। मौसी आपको क्या हो गया? मौसी आप हमारी टुनटुन मौसी हैं, लड्डू बनाती हैं। छी लड्डू, हमारी महारानी सिर्फ राज करती है। ठीक कहा चिन, राज करेगी महारानी टुनटुन, राज करेगी। माँ? माँ नहीं, महारानी। हट जाओ लड़की। राजा इंद्र वर्मा। ढोलकपुर महारानी टुनटुन के हवाले कर दो वरना। ढोलकपुर मेरा है। दुष्ट चिंगमिंग, तुमने टुनटुन मौसी को दुष्ट महारानी बना दिया, हम तुम्हें सजा देंगे। ढोलकपुर को बर्बाद कर दूंगी। माँ, ढोलकपुर हमारा घर है। सबको महल में लड्डू खिलाने का वादा किया था। आज स्कूल में बहुत मजा आया ना राजू? हाँ भीम, हमने तो दूसरी टीम को कबड्डी में इतनी आसानी से हरा दिया। आज जग्गू कहीं नजर नहीं आ रहा। वो कह रहा था कि अपने बंदर दोस्तों से मिलने जा रहा है पर अब तक वापस आ गया होगा। चलो फिर उससे मिलकर आते हैं। हाँ। क्या हो गया?
बुलाया क्यों नहीं जग्गू? मैंने घर से निकलने की कोशिश की भी, पर इतनी लंबी पूंछ को संभालना बिल्कुल आसान नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम सब आज मुझसे मिलने यहाँ आ गए, वरना न जाने मुझे कितने दिन ऐसे ही बैठना पड़ता। चलो उन बाबा से मिलकर उनसे माफ़ी मांगते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। जल्दी से उनके पास चलो। जल्दी कुछ करो। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए। माफ कीजिए बाबा, हम आपकी तपस्या भंग करने नहीं आए हैं। फिर क्या चाहते हो मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था, वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है। केला? हाँ, एक सुनहरा केला जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर मिलेगा। उसे छूते ही जग्गू की पूंछ वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भीम, वहाँ देखो, शायद ये वही पेड़ है। कितना सुंदर पेड़ है। चलो सुनहरा केला जल्दी से तोड़ो जग्गू। राजमहल की सारे लड्डू बना दिए। हाँ बेटा, अब बस इन्हें राजमहल पहुँचाना है। लड्डू चोर? बूम बूम बूम। कालिया ने गलती से वो जादुई पानी लड्डू पर गिरा दिया। वो और जादुई पानी से
छोटा भीम बन गया छोटा। जादुई पानी नहीं मिला लेकिन भीम से छुटकारा जरूर मिलेगा। बूम 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 बूम। बूम बूम बूम। बूम तो भीम से भी बुरा है। अच्छी पारी अच्छी पारी। कागज की आवाज कहाँ से आ रही है? देखो उस पत्थर के नीचे कोई किताब दबी हुई है। अरे इस किताब के तो सारे पन्ने एकदम खाली हैं। किताब नहीं जादुई नहीं ये है हमारी करामाती कॉमिक और मैं इसे संभाल कर रखूंगी। ठीक है पर घर जाते ही इसे मुझे दे देना। उस्ताद आप क्या कर रहे हो? हमारा यहाँ कचुंबर बन रहा है। जग किताब लगता है खिड़की से बाहर उड़ गई होगी। लगता है कहीं हवा से और थोड़ा दूर तो नहीं उड़ गई। ये राजू कहाँ चला गया? जग्गू उठ। क्या हुआ भीम? राजू गायब है। चलो चुटकी को भी उठाते हैं और उसे ढूंढने चलते हैं। वो देखो राजू के पैरों के निशान घर के पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्या हुआ जग्गू? अरे ये कॉमिक यहाँ क्या कर रही है? इस कॉमिक को कालिया ने यहाँ छुपाया था। राजू इसी की तलाश में जंगल में गया है और अब वो मुसीबत में है। करामाती कॉमिक के जरिए। क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। सावधान! पोर्शिया के राजकुमार पधार रहे हैं। पोर्शिया के राजकुमार देखो राजा इंद्र वर्मा उनके स्वागत के लिए आ रहे हैं। ढोलकपुर वासियों ये मेरे करीबी दोस्त के बेटे हैं पर्शिया के राजकुमार। अरे ये क्या है? पोलो का खेल। पर्शिया में हमें इस खेल का बादशाह कहते हैं। ये मेरा प्रिय खेल है। आप में से जो भी ये खेल सीखना चाहता है
कल सुबह ढोलकपुर के खुले मैदान में आ सकता है। तो अभ्यास शुरू करें। पहले ये सीखना है कि घोड़े पर सवार होकर कैसे तुम गेंद को निशाने तक ले जा सकते हो। सब घोड़ों पे चढ़ जाओ। वाह, शाबाश भीम, क्या शॉट था। मैं दिखाता हूँ। ये नियमों के विरुद्ध है कीचक। चल दोस्त, मेरी मदद कर ले, फिर मिलते हैं। भीम पोलो का चैंपियन। ढोलकपुर की पूरी टीम है पोलो की असली चैंपियन। उम्मीद करते हैं इस साल पिछले साल से भी अच्छी फसल हो। अच्छी ही होगी, इन गाय और बैलों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। हम तो बर्बाद हो गए। क्या हो गया, क्या हो गया? अब क्या होगा भाई, हमारी तो रोजी रोटी चली गई। अचानक क्या हो गया? हाँ, अभी तक तो ये सब खेत में ठीक से काम कर रहे थे, फिर ये खाते ही सब के सब बीमार कैसे पड़ गए। चुटकी, हमें जल्दी से प्रोफेसर धूमकेतु को बताना होगा। प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रोफेसर। क्या बात है बच्चों, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? प्रोफेसर, तालाब का पानी पीकर किसान और गाय बेहोश हो रही हैं। तालाब का पानी पीकर? ये तो बहुत ही अजीब बात है। आप जल्दी चलिए प्रोफेसर, हमें कुछ करना होगा। अगर सही समय पर खेतों को जोता नहीं गया तो हमारे ढोलकपुर पर भारी संकट आ जाएगा। ठीक है, चल। तुमने इन्हें कुछ खिलाया पिलाया था? हमने तो सिर्फ तालाब का पानी ही पिलाया था और थोड़ी देर में इनकी ये हालत हो गई। हाँ? हाँ? ये क्या, तालाब के पानी में कुछ मिलाया गया है? कुछ मिलाया गया, पर कौन हो सकता है इसके पीछे? जो भी हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप बस इन सबको जल्दी से ठीक कर दीजिए प्रोफेसर। मुझे थोड़ी जांच करनी होगी। आपको कुछ तो करना ही होगा प्रोफेसर। मेरे पास एक तरकीब है, मैं एक जादुई ट्रैक्टर बना सकता हूँ। जादुई ट्रैक्टर? हाँ, ये ट्रैक्टर एक बिजू का भी बन सकता है, एक ताकतवर बिजू का जो किसी से भी लड़ सके। तो ठीक है भीम, तुम प्रोफेसर की ट्रैक्टर बनाने में मदद करो। हैं? मेरी डायरी। मेरी डायरी कहाँ गई? परेशान दिख रहे हैं, है ना? चलो उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है। क्या बात है प्रोफेसर, आप परेशान दिख रहे हैं। कौन बोल रहा है, सामने आओ। प्रोफेसर, हम हैं। नीचे तो देखिए। ओह बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक हैं, पर आप परेशान दिख रहे थे। कौन, मैं? नहीं तो अरे हाँ हाँ हाँ, बच्चों क्या तुम में से किसी ने एक लाल रंग की डायरी देखी है? लाल रंग की डायरी? नहीं प्रोफेसर। नहीं,
मेरे लिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। उसके बिना मैं अपनी खोज पूरी नहीं कर सकता। आप निराश क्यों हो रहे हैं? आप तो काफी होशियार हैं। अगर आपको आपकी डायरी नहीं भी मिलती है फिर भी आप अपनी खोज पूरी कर सकते हैं। बच्चों, डायरी का मिलना जरूरी है क्योंकि उसकी मदद से मैं अपनी खोज जल्दी से पूरी कर सकूंगा। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे उस लाल डायरी को ढूंढने में प्रोफेसर। ये डायरी मेरे काम की तो नहीं लग रही, बेकार है। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो अब तुम प्याज उठाओ। ढोलू, ये डायरी प्रोफेसर की है, वो इसे ढूंढ रहे हैं। क्या तुम हमें इसे दोगे ताकि हम इसे लौटा सकें? ये डायरी तुम्हें नहीं मिलने वाली, मैं इसे खुद प्रोफेसर को दूंगा। ढोलू बोलो, तुम दोनों भीम और राजू को मेरा पीछा मत करने देना, मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। अरे प्रोफेसर जी, नमस्ते। मुझे पता चला है कि आप कोई डायरी ढूंढ रहे हैं। हाँ, एक लाल रंग की डायरी है। सही कहा। चलो मेरी खोज पूरी करने मेरे घर चलते हैं। आराम से। जिसकी मदद से मैं इसका तोड़ बना सकता हूँ। इसका मतलब सारे जानवर ठीक हो जाएंगे। हाँ चुटकी, और इस बार ढोलकपुर में हरे भरे खेत लहराएंगे। लगता है इस बार बारिश भी जोरदार होगी। लड्डू का शौकी।